Welcome students. So after knowing about the female reproductive system and male reproductive system, let's start sexual reproduction in humans ka explanation. So what is female gametes? Sexual reproduction matlab male gametes and female gamete ka fusion, zygote formation, development and birth. Yehi aaj sikhna hai, yehi flow hai, yehi sequence hai jo humko aaj sikhna hai. तो जान लेते हैं, लेट्स रिवाइज फीमेल गैमेट्स क्या है. फीमेल गैमेट्स क्या है? ओवा और एग्स इन एनिमल्स एंड यस डेफिनेटली ओव्यूल्स जो थे वो क्या थे? प्रेजेंट्स थे प्लांट में. दे आर फेयरली स्मॉल इन नंबर. व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ मेल्स प्यूबरिटी से डेथ तक स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे, मतलब मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे थे. बट इन केस ऑफ वुमन शी इज बॉर्न विद दी एक लिमिटेड एक सेट के साथ बॉर्न हुई थी ओसाइट जो इमेच्योर स्टेज में थे. सो ह्यूमन फीमेल्स फॉर एग्जाम्पल रिलीज अबाउट 500 ओवा इन अ लाइफ टाइम. दे आर लार्जर साइज वाइज. स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ओवा का जो साइज है वो लार्ज है, स्टेशनरी है, इसलिए उसको सीलिया की हेल्प लगी थी ओविडक में पुश करने के लिए. एंड या दे ऑफ्टन कंटेन फूड रिजर्व्स लाइक लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स टू नरिश द एम्ब्रियो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. कमिंग टू मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स में क्या था? मेल गैमेट्स आर वेरी लार्ज इन नंबर्स डेफिनेटली. एंड वाई इज इट? 100 million स्पर्म्स पर इजैक्युलेशन, एक टाइम पे 100 million. एंड दे आर स्ट्रक्चर में स्मॉलर है एज कंपेयर टू द फीमेल गैमेट. एंड दे आर मटाइल बिकॉज ये सारा जो मेल गैमेट्स के बारे में था वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमें गैमेट फॉर्मेशन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. आई हैव ऑलरेडी गिवन अ गुड एक्सप्लेनेशन व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो अभी ह्यूमंस में डिफरेंट है और कैसे है वो देखते हैं. बोथ द गैमेट स्पर्म एंड ओवम्स आर फॉर्म्ड बाय द मियोसिस, रिडक्शनल डिविजन. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस ऑफ मैन बिगिनिंग ऑफ द मैच्योरेशन, मतलब प्यूबर्टी से डेथ. स्पर्म प्रोडक्शन तब से स्टार्ट होता है. इन केस ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ देयर आर 1 to 2 million इमेच्योर ओसाइट इन द ओवरी ऑफ फीमेल फीटस. नाउ गैमेट फॉर्मेशन को का जो साइंटिफिक वर्ड है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. दिस इज फीमेल में कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस फ्लो चार्ट इज गिविंग the explanation about gamete formation in males. अभी मैंने क्या बोला था, meiosis करवाना है, haploid करवाना पड़ेगा, तभी तो दो haploid gametes जुड़कर एक diploid cell देंगे. तो yes, ये देखो यहाँ पे testes में पूरा meiosis complete होके haploid cell मिलते हैं. But यहाँ पे थोड़ा twist है, यहाँ पे दे विल कम हियर और यहाँ पे वो रुक गए. एम्ब्रियोनिक स्टेज ग्रो इन साइज प्रायर टू ओवुलेशन, बट फर्टिलाइजेशन के बाद ही फीमेल गैमेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट करेगी मियोसिस. ये बहुत बड़ा फर्क है मेल और फीमेल गैमेट्स में. आफ्टर पहला डिफरेंस क्या था, स्पर्म्स आर गेटिंग प्रोड्यूस फ्रॉम प्यूबर्टी टू डेथ. वुमन इज बॉर्न विद द सम पूरा एक सेट ऑफ फीमेल गैमेट्स. एंड अदर डिफरेंसेस कि पूरा मियोसिस कंप्लीट हो जाता है जब मेल रिप्रोडक्टिव स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब वो निकला बाहर. बट इन केस ऑफ वुमन जब वो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इन द ओविडक्ट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन तब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा. नाउ इसको इतना भी समझने की जरूरत नहीं समझ रहा है यू कैन आस्क मी आफ्टरवर्ड ऑल्सो. बट गैमेट फॉर्मेशन में ये तीन चीज़ें याद रखना. नाउ अगर कुछ एक्सप्लेनेशन बाकी रह गई है सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डायग्राम. ये फीमेल है, दिस इज मेल. बोथ आर डिप्लॉयड सेल, मतलब 46 क्रोमोसोम. दे विल अंडरगो मियोसिस. मियोसिस मतलब 2N से N की तरफ आ जाएंगे. दे विल यूनाइट, 2N जाइगोट, डिप्लॉयड बनेगा जाइगोट और वो क्या करेगा, मेनी माइटोटिक डिवीजन करेगा और वो क्या बनेगा, एक एम्ब्रियो, एक बेबी.
अब ये जो ग्रोइंग बेबी है वो फीमेल होगी या मेल होगी, ये डिपेंड करता है उसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, दैट विल गोइंग टू डिस्कस इन कमिंग स्लाइड. सो नाउ बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज द बेस्ट पिक्चर जिससे आप समझ सकते हो कैसे होगा. यहाँ पे शी इज अ डिप्लॉइड सेल, ही इज ऑल्सो, मियोसिस किया, हैप्लॉइड सेल बनाया, कंबाइन किया, डिप्लॉइड जायगोट बना, माइटोसिस हुआ और बन गया एक बेबी. नाउ इफ दिस बेबी हैज एक्स एक्स क्रोमोसोम, शी इज अ फीमेल, एंड अगर एक्स वाई है तो मेल. अगेन माइटोसिस होगा और क्या बनेगा, एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट. तो यहाँ पे व्हेन यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट द मियोसिस एंड माइटोसिस, तो दिस इज द क्लियर पिक्चर कि हम में कैसे ये रोल निभाते हैं ये दोनों सेल डिवीजन. यहाँ पे मियोसिस कर लिया, जायगोट बना लिया, डिप्लॉयड स्टेज में ले आए, फिर माइटोसिस की तरफ बढ़ के एक ऑर्गेनिज्म. नाउ गैमेट फॉर्मेशन में आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द क्रोमोसोम नंबर इन द जर्म सेल्स प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड, डेफिनेटली 2nth है. इट इंक्लूड्स 22 pair of ऑटोसोम्स एंड 1 pair ऑफ सेक्स क्रोमोसोम. येस, सो दैट इज 44 plus XX. 44 plus XX मतलब वुमन, 44 plus XY मतलब मेल. These germ cells divide by meiosis. Due to this, gametes contain only haploid. Meiosis का reduction किया, diploid भले cell थे, उन्होंने क्या कौन सा germ cell में हुआ, कौन सा cell division हुआ, meiosis हुआ, तो क्या बन गए, haploid cell. Haploid cell जो बन गए वो अब unite होके क्या बनेंगे. Due to this, gamete contain only haploid numbers of chromosome. Either in case of males, it will be 22 plus X or 22 plus Y. So two types of sperms are produced, 22 plus X or 22 plus Y. And in case of female, 22 plus X only. एक ही type है ना, in male दो type के रहेंगे, एक X के साथ combine होके 22 plus X and 22 plus Y. But in case of female, she is going to produce only one type of that is 22 plus X. Both the sperms and oocyte are produced by meiosis. Again, I am repeating the same thing. In case of sperm, process of meiotic division is completed before the sperm leaves the male reproductive system. However, in case of oocyte, the meiosis will complete ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट. तो फर्टिलाइजेशन मैं आपको हिंट दे दूं कि ओवा से रिलीज होने के बाद, ओवा ओवरी से निकलने के बाद सीलिया की हेल्प से ओविडक्ट में ही कुछ देर के लिए रुकता है और वहीं पर आकर उसको स्पर्म क्या करता है, फर्टिलाइज. लेट्स गो अहेड. Now, one of the very interesting factor about the sexual reproduction, diversity. So yes, genetic diversity introduced by the sexual reproduction. The genetic diversity introduced by the sexual reproduction can allow a species to survive in changing condition. You can see the diversity. And this is the major benefits of the sexual reproduction. The सबसे major benefit है survival of species. Now, ओवा रिलीज हो गया. अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हमने स्टार्ट किया पढ़ाना तो मैंने आपको बता दिया मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है. मैंने ये भी बता दिया मियोसिस है, मेल्स बनाते हैं दो टाइप के गैमेट्स, 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई. इन केस ऑफ फीमेल ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज 22 प्लस एक्स. अब गैमेट रेडी है, मियोसिस हो चुका है, तो अब क्या करना है, फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द इम्प्लांटेशन. तो अब हम सीखेंगे फर्टिलाइजेशन. मैंने कहा क्या कहा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है ओविडक्ट में. तो लेट्स अंडरस्टैंड, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट बाय द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवा. तो जब ओवा और स्पर्म जब कंबाइन हो जाते हैं, जब फ्यूज हो जाते हैं, तो जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं जायगोट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमंस.
जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ है, वो इंटरनल है ह्यूमंस में. सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाइना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन. मैंने क्या बोला था, वजाइना जो है रिसेप्टर है ऑफ द स्पर्म्स, तो वो वहाँ पे क्या करेगी, उसको स्पर्म्स को रिसीव करेगी. स्पर्म इन द नंबर्स ऑफ फ्यू मिलियन स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम द रूट ऑफ वजाइना, यूट्रस एंड ओविटा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ रीजन 100 मिलियन पर इजैकुलेशन क्यों थे बच्चों, क्योंकि उनको पूरी जर्नी तय करनी है. पहले वजाइना में पहुंचेंगे, फिर यूट्रस तक, और फिर ओविडा. इतना बड़ा रास्ता है, इसमें तो कई स्पर्म इसलिए भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस साइड जाना है कि इस साइड, तो ओनली वन विल बी द विनर एंड दैट विनर विल इज गोइंग टू ओनली ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स फर्टिलाइज द ओनली वन, जो उस रेस में सबसे पहले पहुंचेंगे उस अनफर्टिलाइज एग के पास, उसको क्या कर देंगे, अ फर्टिलाइजेशन, एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन. नाउ वॉट हैपन टू दैट फर्टिलाइज एग, अब फर्टिलाइज एग हो गया, आर इम्प्लांटेड इन टू द थिक वॉल. अब धीरे धीरे स्पर्म ओविडक्ट में पहुंचा, वहां पे क्या हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन हुआ. उसके बाद थोड़ा उसमें क्या होगा, एम्ब्रियोनिक, अब जो है ये डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा, और धीरे धीरे उसी समय वो धीरे धीरे ओविडक से यूट्रस की तरफ धकेला जाएगा, पुश किया जाएगा, और पहुंचेगा कहाँ पे, यूट्रस में, जहाँ पे एंडोमेट्रियम रेडी है ऑलरेडी उसके इम्प्लांटेशन के लिए. तो यस, फर्टिलाइज्ड एग आर इम्प्लांटेड इनटू थिक वॉल ऑफ द यूट्रस, मेंबर्स Membranes dig into the uterus to form the placenta. Zygote grows up into the embryo. तो ये जो union हुआ था, मतलब female और male gametes का, उसको zygote बोले. अब उसकी development हो रही है, और उसको अब क्या बोलेंगे, embryo. Embryo gets air and nutrition through the umbilical cord. And I have used one line that endometrium is the मदर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चाइल्ड. उसके बाद क्या होगा, बेबी मॉम की यूट्रस में ग्रो होगा. नाउ वॉट नेक्स्ट, इट्स अ डेवलपमेंट एंड बर्थ. सो दिस पिक्चर विच आई हैव शोन यू, इट्स आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. सी इफ यू आर नॉट, लेट मी एक्सप्लेन यू. ये अनफर्टिलाइज जो एग था वो यहाँ पहुँचा है, ये फर्टिलाइज एग है. दिस इज़ अ फर्टिलाइज एग, मतलब स्पर्म और ओवा का जो है यूनियन हो चुका है, जायगोट बन चुका है, ये वो स्टेज में है, ये फर्टिलाइज, ये जायगोट है. अब इसमें क्या हो रहे हैं, माइटोसिस हो रहे हैं. हम एक सेल का गोला थे, और अब इसमें रिपीटेटिव डिवीजन होते जा रहे हैं. जब ये स्टेज पे पहुंचा, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसाइट, वो पहुंचेगा यूट्रस में. दिस डार्क ब्लू स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द यूट्रस. अब ये यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा, और फर्दर ग्रोथ होके बेबी की डेवलपमेंट होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन डेवलपमेंट एंड बर्थ. सो द जायगोट फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन, और एम्ब्रियो बन जाएगा. Meanwhile, it is pushed towards the uterus. मैंने explain कर दिया already. Once it reaches to the uterus, it is implanted and the further development occurs after the implantation. An organ called as placenta is formed for the supply of food material during the growth in the uterus, and embryonic development is approximately completed within the 9 month. मतलब एक नया life ready हो जाएगा. थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बट यस, 9 मंथ में एक बहुत ही, एक वुमन की लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 9 महीनों पहले, वो 9 महीनों में कंप्लीट होगी, एंड शी इज गोइंग टू गिव अ बर्थ टू अ न्यू लाइफ. अब ये कैसे होगा, ये देखो, थोड़ा ये जो मैंने अभी बार बार एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा सा और समझते हैं. ये देखो, ओवरी से ओविलेशन हुआ, ओवा रिलीज हुआ, किसने लिया, फिलोपियन ट्यूब ने. क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन. फिर डे 1, डे 2, डे 3, डे 6, 4, डे 5, एक सेल, दो सेल, चार सेल, 16 सेल ब्लास्टोसाइट पे पहुंचे, कहाँ गए, यूट्रस में.
यूट्रस में क्या हो गए, इम्प्लांट, ये देखो प्लेसेंटा, ये देखो अम्बेलिकल कॉर्ड, खाना और न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और बच्चे की ग्रोथ यूट्रस में स्टार्ट होना स्टार्ट हो चुकी है. दिस इज़ द डेवलपमेंट. वट अगेन डेवलपमेंट थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं. इट इज़ नॉट इन योर टेक्स्ट बुक बट यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस होंगे. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, हार्ट डेवलप्स. मतलब पहले जो ट्राइमेस्टर होगा उसमें हार्ट बनेगा. न्यूरल ट्यूब, ऑल द बॉडी सिस्टम्स अपीयर बाय वीक 8 एंड नाउ द जाइगोट, दिस एम्ब्रियो इज नोन एज द फीटस. उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, ग्रोथ होगा, इट लुक्स मोर लाइक अ बेबी. अरे ये वाली लाइन आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो अपने फर्स्ट चैप्टर से जिसमें आपने एम्ब्रियोनिक जो है सिमिलैरिटी देखी थी. तो इस स्टेज पे वो समवेयर दैट फीटस इज गोइंग टू लुक लाइक अ बेबी. एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, और ग्रोथ होगी एंड यस किकिंग रोलिंग एंड नाउ दैट बेबी इज गोइंग टू स्टार्ट द मूवमेंट आइज. एंड एट वीक 32 पे वो क्या, उसकी आंखें ओपन होंगी, सांसों का मतलब लंग्स मैच्योर हो जाएंगे एंड रोटेट्स टू हेड डाउन पोजिशन. एंड अब वो बेबी मतलब अब वो कहाँ पे कौन से स्टेज में जा रहा है, पार्चुरेशन की स्टेज में जा रहा है. तो पहले हफ्ते क्या हुआ, हार्ट बना. सी दिस इज द वन ऑफ द ब्यूटिफुल जर्नी विच इज गोइंग ऑन इन द यूट्रस ऑफ दैट वुमन. हार्ट बना, फीटस हुआ, लुक्स लाइक अ बेबी एंड देन स्ट्रेचिंग, किकिंग, सब उसके मूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं. तो दिस इज द डेवलपमेंट. सो ऑल दीज थ्री स्लाइड्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट. डेवलपमेंट नाउ व्हाट इज बर्थ. बर्थ में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस में. कौन सा लेयर था, माइकोमेट्रियम. माइकोमेट्रियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन. दैट हार्मोन इज कमिंग फ्रॉम अगेन फ्रॉम पिट्यूटरी. दैट हार्मोन इज नोन एज ऑक्सीटोसिन. ये 9th क्लास में भी पढ़ा था और ये आपके टेक्स्ट बुक में पूछा भी गया है. तो ऑक्सीटोसिन की हेल्प से कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड मैंने क्या बोला था, सर्विक्स क्या होगी, डायलेट हो जाएगी. डायलेट मतलब उसमें हाँ उसका बढ़ना होगा और बर्थ होगा. तो यूट्रस इज गोइंग टू पुश. मैंने क्या बोला था, यूट्रस का ड्यूअल फंक्शन है, नरिशमेंट अप कर ली, अब क्या करना है, डिलीवरी में हेल्प करना है. तो उसका जो सेकेंड फंक्शन है उसको अब निभाने की बारी आ चुकी है. यूट्रस पुशेस द बेबी थ्रू द वजाइनल कनाल, बर्थ कनाल, वजाइना, बर्थ कनाल, प्लेसेंटा डिलीवर आफ्टर बेबी. यस अगेन दो टाइप की डिलीवरी भी है. सी सेक्शन मतलब सिजेरिया इज अ सर्जरी दैट कट्स थ्रू द यूट्रस टू डिलीवर द बेबी इफ वजाइनली बेबी बॉर्न नहीं हो पाया. सो अगर कुछ अलग कॉम्प्लेक्स हुए ड्यूरिंग द डिलीवरी तो ये दिस इज अ सेकेंड ऑप्शन. सी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर यू हैव टू वॉच और यू हैव टू सी ऑल माई वीडियोज इन अ वेरी एक हायरार्की जो मैंने आपको दी है कि पहले मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ो, फिर फीमेल पढ़ो, फिर मेनस्ट्रुअल साइकिल सीख लिया. इन सब चीज़ों को सीखो, देखो वीडियो को हायरार्की वाइज, बट उन चीज़ों को लिंक करो. अभी मैंने बोला वजाइना की तरफ पुश किए जाएंगे तो बर्थ कनाल है वो. ये सब चीज़ें जब पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएंगी तो आंसर्स को रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा. तो दिस इज दिस वन एडिशन वन सजेशन फॉर यू. एंड कमिंग टू माई टॉपिक दैट इज बर्थ. तो बेबी की बर्थ हो गई एंड नाउ वेरी इंटरेस्टिंग विच आई शुड एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट दिस पर्टिकुलर स्लाइड एट द एंड. नाउअडेज पीपल आर लाइक कि यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट भ्रूण हत्या, कन्या, लाइक ऐसा कुछ आपने सुना होगा. दैट इज फीमेल फर्टिसाइड. इसमें क्या होता है कि जब कपल को या जब उनको पता चल जाता है कि नहीं ये जो फीटस है जो अंदर फीटस प्लेसेंटा की तरफ सॉरी यूट्रस की तरफ जो बढ़ा वो जो वो स्टेज में ही पता चलता है कि वेदर द जो बेबी जो अंदर फीटस पल रहा है क्या वो मेल है या फीमेल है. उसके लिए भी साइंटिफिक है बहुत सारे मेथड. तो जब उन्हें पता चल जाता है कि या ये फीमेल है तो व्हाट दे डू, एबॉर्शन करा लेते हैं या फिर उसको किल किया.
And again, in addition to that, they always, society and other people, जो ऐसी इनकी सोच होती है, they always blame that woman, कि you are the only person, you are responsible to have a girl child. But scientifically, she is not. A woman is not responsible of having, for having a girl child. Why? The man is totally responsible. Why? Whether the couple will have a boy or a girl child. During the zygote formation, man कौन से दो टाइप के gametes देते हैं? 22 plus X, 22 plus Y. Am I right? But female, 22 plus X. तो वो बेचारे तो एक ही दे रही है ना, एक ही टाइप का gamete दे रही है. तो variation कौन दे रहा है? Male. तो पूरी तरीके से एक लड़की को गलत ये blame करना, उसको ठहराना कि you are responsible for a girl child is wrong. This needs to be, एक awareness आनी चाहिए कि this is wrong, you cannot blame anyone. As far as my suggestion, किसी को भी blame नहीं करना चाहिए कि yes, you are responsible. So, thinking of this, is it right? After knowing this fact, is it right to consider the mother responsible for a girl child? We all must take efforts to stop female fratricide and stop blaming the woman for a having a child. Now, this is about the sexual reproduction in female, female ka gamete formation, and this is all about the sexual reproduction in humans. Next video will start with the modern technology in reproduction, and which is more or less is we are going to talk about ki agar ye sab to normal aapne seekh liya, zygote formation ho raha hai, but kai couples ko they face some problems for having bacche ke liye, I can say for बच्चे होने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो थैंक यू.